नमस्कार, इस डीप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आर के रोशन। आपको पता है कि इस वक्त पूरा विश्व कोरोना की कहर से परेशान है। ऐसे में संक्रमण का खतरा सबके लिए समान रूप से बना हुआ है, लेकिन इस खतरे के बीच वे लोग जो देश और मानवता की सेवा में जुटे हैं, ऐसे कोरोना योद्धाओं को एसडीएफ न्यूज दिल से सलाम करता है। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे ही हिंदुस्तान के योद्धा से मिलवाएंगे जो विदेश में भी रहकर कोरोना के इस जंग में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। खासकर बिहार के लोगों को यह जानकर बेहद सुखद अनुभूति होगी, क्योंकि आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध बिहार से भी है, क्योंकि हिंदुस्तान का यह लाल बिहार के दरभंगा जिले का मुख्य निवासी है। दरअसल खबर अमेरिका के कॉन्स लावास सैन फ्रांसिस्को में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर के पद पर तैनात उस हिंदुस्तानी जांबाज की है जो अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना काल में ढाल बनकर सेवा में जुटा है। पहले यह खबर देखिए, फिर आपको सीधे मिलवाएंगे हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए उस लाल से जो विदेश में भी रहकर अपने कार्य क्षेत्र में व्यवहार के बलबूते एक मिसाल पेश कर रहा है और देश के साथ साथ बिहार का भी नाम रोशन कर रहा है। अमेरिका के कॉन्स लावास सैन फ्रांसिस्को में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर के पद पर तैनात इस हिंदुस्तानी जांबाज के पहले जरा ये तस्वीर देखिए। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम है किशोर कुमार झा। किशोर कुमार झा मुख्य रूप से बिहार के दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड के गलमा गांव के रहने वाले। 41 बटालियन असम राइफल में 21 वर्षों तक सेवा देने के बाद फिलहाल ये 3 वर्षों के लिए अमेरिका के कॉन्स लावास सैन फ्रांसिस्को में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर के पद पर डिप्यूटेशन पर आए हुए हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर किशोर कुमार झा ने अपने परिवार से दूर रहकर भी बिना जान की परवाह किए हुए कोविड-19 जैसे महामारी में सैन फ्रांसिस्को में भारत के रहने वाले लोगों को भारत भेजने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे। भारत पहुंचने के बाद किशोर कुमार झा को फोन करके उनकी प्रशंसा भी कई लोग कर चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के दरभंगा जिले के गलमा गांव के रहने वाले किशोर कुमार झा वंदे मातरम मिशन जैसे महान काम में यात्रियों को घर पहुंचाने में भी काफी मददगार साबित हो रहे। मेरा नाम नितेश्वर मिश्रा है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से का रहने वाला हूँ और हम लोग यहाँ फंस गए थे पिछले दो तीन महीनों से और मेरा यूनिक सिचुएशन था बिकॉज मेरी वाइफ का नेपलेज पासपोर्ट है और बेटा का यूएस पासपोर्ट। तो हमें इंडियन एम्बेसी सैन फ्रांसिस्को से बहुत हेल्प मिली, वहाँ के 2-3 कर्मचारियों ने हमें फ़ोन भी किया और उन्होंने फॉलो अप करके हमारे लिए OCI का अप्रूवल और फिर फॉरेन सिटीजन का अप्रूवल लेके दिया, जो कि काफ़ी सराहनीय है और इंडियन गवर्नमेंट ने जो किया वो काफ़ी। अभी चूँकि मेरी माँ बीमार है तो अभी जाना हमारा बहुत ज़रूरी था और इन लोगों ने काफ़ी मदद की हमारी। एयरपोर्ट आने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज श्री किशोर कुमार झा ने भी काफ़ी मदद किया थ्रू आउट द प्रोसेस, शुरू से अंत तक उन्होंने हमारे साथ एक छोटा बच्चा था जिसे हमें और सामान भी ज़्यादा था तो हमें हेल्प चाहिए था, उन्होंने काफ़ी मदद की। माई नेम इज़ देवर्श मोदी, आई लिव इन वर्क इन सैन फ्रांसिस्को। ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी आई हैड टू गो टू इंडिया। आई कॉन्टैक्ट इंडियन एम्बेसी एट सैन फ्रांसिस्को एंड आई कॉल देयर मेन लाइन एंड देन आई केम टू नो मिस्टर किशोर कुमार जी। आई कॉन्टैक्ट देम एंड tell them and explain my situation that these are the reasons why I have to go to India. He suggested me that I have to register myself online and then buy the tickets. And right now, you know, I'm at the airport. I'm ready to go India and support my family. मेरा नाम मोक्षिल शाह है, मुझे इमरजेंसी में इंडिया जाना था तो मैं सैन फ्रांसिस्को में रहता हूँ, तो मैंने सैन फ्रांसिस्को इंडियन एम्बेसी में मैंने कॉन्टैक्ट किया तो मेरे को वहाँ पे मिस्टर किशोर कुमार जी मिले जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर भी है। उन्होंने मेरी रजिस्ट्रेशन में मदद की और टिकट दिलाने में मदद की और आज की तारीख में मैं यहाँ पे एयरपोर्ट खड़ा हूँ और इंडिया जाने के लिए रेडी हूँ। सो खूब खूब धन्यवाद इंडियन गवर्नमेंट का जो ये फ्लाइट मिशन शुरू किया
और धन्यवाद कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया का जिन्होंने मेरी मदद की, और ख़ास करके थैंक यू मिस्टर किशोर कुमार जी को जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से मैं आज इंडिया जा सकता हूँ। शुक्रिया। कोविड 19 महामारी की भयावहता के बीच एक तरफ जहाँ पूरा विश्व इसके खतरे से न केवल डरा सहमा हुआ है, तो ही दूसरी तरफ इस महामारी का कोई ठोस इलाज या वैक्सीन भी अब तक नहीं बन पाया है। वैश्विक महामारी के खतरे के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना इस लड़ाई की जंग में जो लोग आज सेवा में जुटे हैं, वैसे कोरोना योद्धाओं को देश और दुनिया भी सलाम कर रही है। कोरोना योद्धाओं के रूप में बिहार की मिट्टी से जुड़े किशोर कुमार झा बिहार ही नहीं बल्कि हमारे देश के लिए भी एक शान है, और ऐसे जंबाज हिंदुस्तानी को इस खबर के माध्यम से एसडीएफ न्यूज की ओर से भी सम्मान है। तो चलिए इस वक्त अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सीधे हमारे साथ किशोर कुमार झा जी जुड़ गए। किशोर कुमार झा जी, आपका एसडीएफ न्यूज बिहार झारखंड पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें एसडीएफ न्यूज चैनल में जुड़ने का मौका दिया। किशोर जी, आपके बारे में जब हमें पता लगा कि आप बिहार से हैं और इस वक्त अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बतौर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर के पद पर सेवा दे रहे हैं, तो हमारी इच्छा हुई कि क्यों ना आपसे बात की जाए और आपके कार्य अनुभव के साथ साथ उस बात की भी चर्चा की जाए कि कोरोना काल में एक तरफ जहाँ पूरा विश्व परेशान है, ऐसे में अमेरिका की क्या स्थिति है और आप लोग वहाँ कैसे और किन हालात में काम, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। यहाँ पर आपने तीन सवाल का जिक्र किया है। क्या इस वक्त अमेरिका की स्थिति क्या है? दूसरा सवाल आपने रखे हैं जो इस वक्त इस समय इस सिचुएशन में आप लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं। तीसरा सवाल ये है जो क्या यहाँ की स्थिति अभी टला नहीं है कि बरकरार है? जी, आप लोग जानते हैं वर्ल्ड के अंदर जो अमेरिका की स्थिति आज है बहुत खराब होते जा रहे हैं। जो आज तक लगभग 45 लाख से भी ज्यादा इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। ये तो छोड़िए, यहां पर लगभग 1,43,000 से भी ज्यादा इस काल में समा गई। जब मैं खासतौर से कैलिफोर्निया की बात बता रहा हूं, जब से यहां के गवर्नर ने लॉकडाउन समाप्त किए हैं, सोपे खोल दिए हैं, तब से यहां से एक्टिविटी ज्यादा हो गई और संक्रमित की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी की तरह बढ़ते जा रहा है। तब तक जब तक हर आदमी अपने आप में प्रिकॉशन नहीं लेंगे, तब तक कंट्रोल होने की कोई बात नहीं। दूसरा सवाल आपने रखे थे जो इस समय इस वक्त इस सिचुएशन में आप लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले भारत देशवासी को, हमें देशवासी से बहुत प्रेम है और हम सुरक्षित चाहता हूं जो हमारा देशवासी को, इसके लिए हमें रात हो या दिन हो या किसी वक्त जो भी मेहनत करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारा देशवासी सुरक्षित घर जाए इसके लिए हम लोग प्रोसीजर बना रखे हैं। पेपर चेक करते हैं, उसका डिस्टेंस मेंटेन करवाते हैं, उसके मास्क यूज करते हैं, उसका थर्मल मेडिकल करते हैं, वो प्रोसेस के बाद प्रोसेस करते हुए अपने आप में प्रिकॉशन रखते हुए उनको हम लोग सहयोग दे के अपना घर भेजते हैं। तीसरा सवाल आप लोग रखे हैं जो क्या यहाँ की स्थिति टला नहीं है या बरकरार है। आप लोग जानते हैं जब से गवर्नर ने यहाँ का लॉकडाउन को समाप्त किया है तो यहाँ पे हर सोपे खुल गई, हर होटल में एक्टिविटी शुरू हो गया। जो खाना पहले फूड जो था होम डिलीवरी था, वहां पे जाकर अभी खाना शुरू कर गया। जो दुकानें में आदमी कम जाता उसमें रेगुलर जाना शुरू हो गया। उससे क्या हो गया, एक दूसरे से इन्फेक्टेड होते गया और बढ़ते गया। ये तब संभव है जब फिर हर आदमी आपस में इस चीज को समझे और जो भी नियम बनाया गया है, मास्क यूज करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, कम से कम समय जाना जिससे कि आदमी को इन्फेक्ट ना हो पाए, तब तक
ये नहीं रुक सकता है जब तक हर आदमी अपने आप में प्रिकॉशन नहीं लेंगे। ये तब संभव है जब हर आदमी अपने आप में प्रिकॉशन लेते हैं तो ये धीरे 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 ये कम। किशोर जी, आपने 41 बटालियन असम राइफल में 21 वर्षों तक सेवा दिया और अब फिलहाल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 3 वर्षों के लिए डेपुटेशन पर गए। मुख्य रूप से आपका वहां पर काम यानी कि वर्क कल्चर क्या है, थोड़ा हमें विस्तार से बताएं, हमारे दर्शकों को अपना अनुभव भी शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। मैं लगभग 21 वर्ष असम राइफल में सेवा किया। 21 वर्ष के दौरान हमें 2 बटालियन के साथ काम करने का मौका मिला, 18 असम राइफल और 41 असम राइफल। फिलहाल मैं 41 असम राइफल के नाम से जाने जाते हैं। 41 असम राइफल के सभी जवान, जेसीओ और ऑफिसर को मैं धन्यवाद देता हूं जो हमें इस काबिल समझे और आगे बढ़ने का मौका दिया। खासतौर से कर्नल उदय भानु, कमांडेंट 41 असम राइफल, डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल को भी धन्यवाद देता हूं जो हमें 3 साल के लिए डिप्टेशन पर विदेश मंत्रालय में भेजने के लिए सही समय पर डिसीजन लिए। जहां तक वर्क कल्चर का सवाल है, सुरक्षा एक गुप्त शब्द के नाम से जाने जाते हैं। सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियल शब्द है जो कि मैं पब्लिकली अपने पब्लिक के सामने ये शेयर करना मैं उचित नहीं समझता हूं। ऑल ओवर और जो मेरा ड्यूटी है, कर्तव्य है, जो हमारे देशवासी जो भारत से आके अमेरिका में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित सही वे के अनुसार बिना इन्फेक्टेड किए हुए भारत वापस भेजना है। उसके लिए हम लोग चाहे रात हो या दिन हो, जिस समय नियुक्त किया गया है उस वक्त जब जहाज आते हैं उस वक्त जाकर एयरपोर्ट पे पूरे पब्लिक के साथ पेपर चेक करते हैं। पेपर कंप्लीट होने के बाद उनको वापस भारत भेजने में काफी सहयोग देते हैं। किशोर जी, पूरे विश्व में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और न ही इसका कोई ठोस इलाज ही अब तक सामने आया है, लेकिन इस बीच कारोबार और जिंदगी को गति देने की कवायद भी चल रही है, क्योंकि कोरोना काल में लगभग सभी देशों को आर्थिक गतिविधियों के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सुरक्षित भी रहना है और काम भी करना है। पहले की अपेक्षा अंतर तो बहुत आया होगा। जहां तक इकोनॉमी की सवाल है, अमेरिका वर्ल्ड में इकोनॉमी के मामले में एक ठोस कंट्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रहा है ना, उस सिचुएशन में अमेरिका का भी स्थिति बहुत बिगड़ते जा रहा है। पहले अमेरिका के साथ ऐसा हुआ है लेकिन उसको रिकवरी करने में बहुत कम समय लगा है, लेकिन आज का जो ये महामारी बीमारी चल रहा है, जो लंबे समय से चल रहा है, इसमें इकोनॉमी को रिकवरी करने में अमेरिका को बहुत काफी समय लगेगा, जो कि आप लोग जानते हैं इस चीज को, जो सिचुएशन चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ट्रंप जी ने एक सोच रहे हैं जल्द से जल्द यहां की स्थिति समान हो जाए, जिससे मैं अपने रेस्टोरेंट खोलूं, मैं अपने बिजनेस खोलूं, स्कूल खोलूं, कॉलेज खोलूं, जो कि उसको खोलने के बाद धीरे 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 मैं उस इकोनॉमी को बराबर लाऊं। लेकिन ये असंभव है, उनकी सोच है, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं, उस हिसाब से इसको रिकवरी करने के लिए काफी समय लगेंगे। जहां तक मैं कैलिफोर्निया की बात बोल रहा हूं, जो यहाँ गवर्नर ने उसको, यहाँ पे जो रूल्स है, जो हर स्टेट के गवर्नर को पावर दिया गया है वो अपनी स्टेट को किस तरह डेवलप करना है, कैसे ले चलना है, तो वो इस हिसाब से यहाँ अपने लॉकडाउन को समाप्त करके और यहाँ धीरे 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 अपने दुकानें खोल दी, शॉपें खोल दी और जो भी यहाँ का बिजनेस पैसा है उसको शुरू कर दिया, लेकिन उससे नुकसान होते जा रहे, इन्फेक्टेड ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमी तो हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन आदमी संक्रमित ज्यादा हो जाएगा, जिससे देश में त्राहिमान मच जाएगा। उसके लिए हर स्टेट के गवर्नर ने नियम जारी किया है,
जो हर आदमी कम से कम समय निकले और उस वक्त अपना डिस्टेंस को मेंटेन करे, मास्क को यूज करे, जो प्रोसीजर बनाया गया उसको फॉलो करे, जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना आदमी जी नहीं सकता है, वो काम करे और उस काम को करके सुरक्षित अपने घर आ जाए और अपना सेफ रहे। तो उसमें समय लगेगा इकोनॉमी को बराबर आने में, होने में, लेकिन आदमी अगर सुरक्षित रहेगा तो फिर ऐसा दोबारा मौका मिलेगा तो इकोनॉमी बराबर हो जाएगा और आगे अपना देश अपने प्रोसीजर में, अपने नियम में फिर बराबर के बराबर ही रह जाएगा। किशोर जी, वंदे मातरम मिशन हो या फिर वहां भारत के रहने वाले लोगों को भारत भेजने की बात हो, आपने अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई और हमें यह भी पता है कि इस काम और आपके सहयोगपूर्ण व्यवहार के लिए भारत पहुंचे ढेर सारे लोगों ने फोन करके आपको धन्यवाद भी दिया है और आपके कार्यों के साथ आपकी भी सराहना की है। इसको लेकर आप कैसा फील करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं? हम लोग इस बात का इंतजार करते हैं जो भारत से आए हुए हमारे देशवासी अमेरिका में फंसे हुए हैं, वो सुरक्षित जब अमेरिका से भारत जाते हैं उस वक्त बहुत इमोशनल सिचुएशन होता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे देश के बुजुर्ग और हमारे माँ, हमारे बहनें जो भारत पहुंचने के बाद जब अपने देशवासियों से मिलते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। और ऐसा ऐसा सिचुएशन हमारे साथ आया हुआ है, एयरपोर्ट के ऊपर छोटे छोटे बच्चे के साथ, उनकी माँ, उनके घर में कोई दुखद समाचार हो गया है जिसके कारण बस वो अपना देश वापस जाना चाहते हैं, लेकिन तब तक वो दुखी रहते हैं जब तक उनका अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट रहता है। जब उनके पूरे पेपर कंप्लीट होते हैं ना, उस वक्त जो उनकी आंख में आंसू होता है ना, बहुत खुशी का आंसू होता है, उनको अब विश्वास होता है कि नहीं, अब मैं सुरक्षित अपने देश वापस जा सकता हूं। और जब यहां से हम लोग पूरे आदमी डॉक्यूमेंट चेक करके, थर्मल मेडिकल करके और नियम के अनुसार जो आपस में डिस्टेंस मेंटेन करके, मास्क का यूज करवा के, थर्मल मेडिकल करा के उनको सुरक्षित जब भारत भेजते हैं, और उस वक्त जब भारत पहुंचने के बाद वहां के गवर्नमेंट के अनुसार जो भी प्रोसेस वो करने के बाद जब वो सुरक्षित घर पहुंचते हैं, वहां से जब हमें टेलीफोन करता है तो हमें खुशी होता है, अपने आप विश्वास होता है जो आज मैं एक अपने देशवासी के लिए कुछ तो कर रहा हूं। किशोर जी, हमने सुना कि बिहार के लाल और एक्टर सुशांत सिंह के सुसाइड करने की जब खबर सामने आई थी उस वक्त उनके कुछ अपने लोग वहां मौजूद थे। कोरोना के कारण उनका यहां आना मुश्किल साबित हो रहा था, तब आपने काफी काम किया और आगे बढ़कर उन लोगों को भारत भेजवाने में उनकी मदद की। कोरोना काल में आप अभी एक सच्चे कोरोना योद्धा की तरह सेवा में लगे हैं, इसलिए आपको दिल से सलाम है और इस बारे में आपका क्या कहना है बताइए। जी, आपने ये सही सुना, जब हमारे देश के अंदर, हमारे बिहार राज्य के अंदर एक दुखद समाचार आया जो हमारे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का दुखद समाचार सुने, उस वक्त अमेरिका में उनकी छोटी बहन रहती थी और वह हमारे कौंसलावास को टेलीफोन किया जो मैं सुशांत सिंह की बहन बोल रहा हूं और हमें अमेरिका से भारत जाना है। तो हम अपने कौंसलावास के जितने भी ऑफिसर थे, ऑल ऑफिसर, इस चीज को सुनते हुए पीरियोटी में लिया और नियम के अनुसार जो प्रोसीजर है उसके अनुसार जो कागज कार्रवाई करके और जल्द से जल्द प्रायोरिटी देकर उसको सुरक्षित अपने घर भेजने में सहयोग किए। किशोर जी, आप हिंदुस्तान से हैं और ये गर्व की बात है, खासकर बिहार के दरभंगा जिले के मूल निवासी होने के कारण। बिहार और दरभंगा के लोगों के लिए भी एक प्रसन्नता की बात है कि इस मिट्टी का लाल आज विदेश में रहकर भी उस कहावत को चरितार्थ कर रहा है जिसमें कहा गया है कि सेवा ही परम धर्म है।
आप अपने हिंदुस्तान और अपनी माटी बिहार के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं भारत देश को प्रणाम करता हूँ और जय हिंद बोलता हूँ, जो हमें इस महान देश में मेरा जन्म, और मैं भारत के मुख्य राज बिहार, बिहार का मुख्य दिल मिथिलांचल, मिथिलांचल का मेन डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, वहां के मैं घनश्यामपुर ब्लॉक गलमा गांव में मेरा जन्म। और मैं सबसे पहले अपने माँ पिताजी को भी प्रणाम करता हूँ, जो हमें 15 अगस्त 1979 जैसे दिन में जन्म दिया। और मैं अपने देशवासियों के और बिहार के भारत के लाल को मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जो बिहार के पास इतनी खून है उतनी दिमागे हैं, खून से भी बढ़कर दिमाग काम करता है, और जो बिहार के मिट्टी के लाल जो दिमाग में ठान लेता है, जो मकसद एम कर लेता, उस काम को पूरा करके दिखाता, वही एक बिहार के मुख्य निवासी हो या दरभंगा को या किसी भी डिस्ट्रिक्ट को हो, एक एम होना चाहिए, एक उम्मीद होना चाहिए, मैंने इस काम को करना है, वो आदमी वो करके दिखाता है, वो है बिहार। मैं उस माटी का हूँ जो कि बिहार से मैं जाने जाने वाला हूँ, और हमें विश्वास है बिहार के मिट्टी के बल को, ताकत को, जो यहाँ के लाल अपने देश के लिए, अपने राज के लिए जो सोचेंगे वो करके दिखाएंगे। किशोर जी, बहुत सारी बातें आपने बताई, अच्छा लगा। अब आपके परिवार में कौन कौन है, खासकर बिहार के दरभंगा में फिलहाल आपके परिवार के कौन कौन से सदस्य रहते हैं, और आपके साथ भी अगर कोई सदस्य रहता हो तो जरा इस बारे में भी हमें बताइए। जी, हमारे परिवार में माँ, पिताजी, तीन भाई और एक बहन है, और हमारा पूरा परिवार देश की सेवा में हमेशा जुड़ा हुआ है। हमारा पिताजी असम राइफल से रिटायर है, प्रेजेंट में मेरा दोनों भाई असम राइफल में जॉब कर रहे हैं, और मेरा जीजा जी आर्मी में है, मेरे पूरा चाचा और जो कि देश के सेवा से सेवा निर्वृत्त है, और मेरी धर्मपत्नी रेखा देवी, और हमारा दो बच्चा अदित कुमार झा और आयुष कुमार झा, जिसका एज 13 साल है और एक का 11 साल है, वो लोग पूरे दरभंगा में रहते हैं, और मैं अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए दरभंगा में रखा हुआ। मैं अपने परिवार से दूर रहते हुए भी मैं अपना परिवार को मिस करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने देश के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा कर्तव्य का मैं पालन करता हूँ। किशोर जी, एक और सवाल हमारे मन में आ रही है, हमारे विचारों में आ रहा है कि आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे और कहाँ हुई, फिर आप सरकारी सेवा में कब आए, और आपने खुद को उस माहौल में कैसे एडजस्ट किया, और आज इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं दरभंगा जिला के घनश्यामपुर ब्लॉक के गलमा गांव के रहने वाला हूँ, और मेरा गलमा गांव के एक गरीब परिवार में जन्म हुआ। मैं अपनी पूरी शिक्षा अपने गांव से ही प्राप्त किया हूँ, और मैं अपनी एक क्लास से लेकर 1 से लेकर 10 तक की क्लास जो है हमारे गांव के बगल में दूसरे गांव, उस गांव में प्राप्त किया हूँ, और उसके बगल में नेक्स्ट गांव है उसमें मैं अपने कॉलेज 12 क्लास की पढ़ाई किया, और मैं अपने पढ़ाई के दौरान मेरा पूरा परिवार डिफेंस सर्विस में थे, और जब हमारे पापा लोग छुट्टी आते थे तो उनको मैं एक हरा वर्दी देखता था, तो हमें एक उम्मीद जागरूक होता था, जो मैं बड़ा हूँ तो मेरा फर्स्ट च्वाइस रहेगा जो मैं फौज में जाऊँ, क्योंकि मुझे एक वर्दी के शौक हो गया था। हर आदमी की एक उम्मीदें होता है, वो हमारे 6-7 क्लास से ही एक उम्मीद हमको शरीर में जगते गया, जो मैंने बनना है आगे, तो मेरे को एक फौज में जाना है, मैं इस चीज को दिमाग में सेट कर लिया था, लेकिन भी मैं अपने पढ़ते गया, पढ़ने के बाद जब मेरा एक एज हुआ 18 साल, तब से मैं एक बार कोशिश करना शुरू किया, लेकिन कोशिश किया मैं लेकिन असफल रहा। लेकिन कहावत है ना, असफल से हारना नहीं चाहिए, असफल होता है
एक दिन सफल भी होता है। मैं असफल होते कि कंटिन्यू नहीं, अपनी हार नहीं हारी और उसको मैं बरकरार रखा। एक दिन ऐसा आया खुशी का दिन, 1998 मेघालय के शिलांग जगह था जहां पर मैं भर्ती हुई और मेरा ट्रेनिंग असम रैफल ट्रेनिंग सेंटर दीमापुर नागालैंड में हुआ और वहां से मैं फिर असम रैफल 18 असम रैफल मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ जो कि मिजोरम में था और फिर उसके बाद मेरा दूसरा पोस्टिंग पटिवन असम में हुआ। और इस ड्यूरेशन में बहुत उतार चढ़ाव होता है, हर मनुष्य को किसी भी जॉब में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन उसको नजर अंदाज कर देना क्योंकि अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। मैंने कोई भी काम करा उससे आगे बढ़ना है, तुमको कुछ ना कुछ करना है, उसमें उतार चढ़ाव आएगा। उसको मैं नजरअंदाज करते गया और हर चीज में इनिशिएटिव लेते गया, इंटरेस्ट लिया, हर चीज में जागरूक दिखाया। और एक दिन ऐसा आया जो हमको 26 जनवरी जैसे परेड में दिल्ली में राजपथ पर परेड खेलने का भी मौका मिला, उसमें भी मैं भाग लिया और अपना इंटरेस्ट के साथ उस काम को भी अच्छे से सफल बनाया। ऐसे कर देगा फिर हमारे फोर्स के अंदर ऑफिसर का वैकेंसी आया, उसमें भी मैं ट्रैक किया, लेकिन बेड लक मेरा नहीं हुआ। फिर भी मैं अपना असफलता को जागरूक नहीं किया, मैं तभी भी लगा रहा और लगते लगते एक दिन मेरे लिए ऐसा आया ऑफर जो मैं विदेश मंत्रालय में सिलेक्शन और विदेश मंत्रालय में 3 साल के लिए ड्यूटेशन आया। वहां आने के बाद मैं दिल्ली में बैठा और दिल्ली से एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आया जो वर्ल्ड का माना हुआ देश अमेरिका वहां के कौंसल आवास में मैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए नियुक्त। मैं तो हर आदमी को हर मनुष्य को बोलता हूं असफलता से ना हारिए। असफलता जो होता है तो उससे नुकसान जरूर होता है लेकिन ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बनता है, एक दिन वो आपको सफल बन के दिखाएगा। वही चीज हमारे शुरू से लेकर लास्ट तक मेरा एक उम्मीद था, लक्ष्य था जो मैं अपने लाइफ में कुछ करूं। आज हमें वो अपॉर्चुनिटी मिला और मैं अपने देशवासियों के लिए, मैं अपने पूरे लाइफ के लिए जो मेरा वर्ल्ड का माना हुआ कंट्री में एक कौंसल आवास में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए मैं नियुक्त हूं। किशोर जी, अभी कोरोना काल चल रहा है, मुश्किल हालात में आप लोग काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया पर इसका असर देखा जा रहा है, लेकिन जो लोग अब भी इसके खतरे से अनजान बनकर कोरोना को न्योता दे रहे हैं, ऐसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? वैसे जागरूकता के लिए हर देश और वहां की सरकार बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग एक बचपन में पढ़ाई करता था नेसेसिटी, जो कि जरूरत, जो अभी वर्ल्ड में पूरे देश में जिस तरह से पूरे त्राहिमान चल रहा है, इस सिचुएशन में जो हर आदमी के लिए जरूरत है, जरूरत जिसके बिना आदमी जी नहीं सकता है, वो तो जरूरी है आदमी को काम करना। और जो आदमी अभी जरूरत अनावश्यकता जिसको बोलते अभी जरूरत नहीं वो बाद में भी हो सकता है, तो उस काम को अभी डिले छोड़ देना चाहिए। हर आदमी को, हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को, हर देशवासियों को ये अपना दिमाग में सेट कर लेना चाहिए जो हमको आवश्यकता ही जरूरी है, अनावश्यकता की जरूरत नहीं आज के दिन। आवश्यकता में जैसे हुआ सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बिना आप जी नहीं सकते, खाना जरूरी है, उसके लिए हमको राशन लेना पड़ेगा। पानी जरूरी है, उसके लिए हमको पीने के लिए पानी जरूरत है। बीमार हुआ तो दवाई दारू जो भी है, एनीवे वो आवश्यकता है, वो हर व्यक्ति जरूरत के अनुसार जिसके बिना आदमी जी नहीं सकता, वही चीज अभी काम करे। वो इसी के लिए आप कहीं भी जाए, घर से निकले और अनावश्यकता जैसे आपने घूमने जाना, वो 3 महीने के बाद भी जा सकते हो, जब ये सिचुएशन खराब होगा तभी भी जा सकते हो। फिल्म देखना, ये बाद में मौका अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको फिल्म देखने के लिए। जो इसको बोल देते अभी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ हर मनुष्य, हर व्यक्ति, हर देश और हर देश के नियम जारी कर दे जो हर आदमी आवश्यकता ही के लिए बाहर निकले इस सिचुएशन में, और वो भी कम से कम निकले उसमें प्रोसीजर के अनुसार, जैसे प्लानिंग बना ले जो हमको इतना ये सामान लेना, इतना सामान ले, एक ही साथ 10 दिन का सामान लेकर आ जाए, वो कम निकले, जिससे क्या हुआ ये सिचुएशन जो बढ़ते जा रहा वो कंट्रोल हो जाएगा। और जब ही आदमी आपस में डिस्टेंस मेंटेन करेगा और कंट्रोल मेंटेन करेगा, जो भी डिस्टेंस, मास्क यूज करना, जो भी प्रोसीजर बनाया गया उसको फॉलो करेंगे, तो दिनों के दिन घटते हुए चले जाएंगे। नहीं तो फिर एक दिन ऐसा आएगा आवश्यकता को छोड़कर अनावश्यकता काम करना शुरू कर दिया, फिर ये कंट्रोल होने की बात ही नहीं है, ये सिचुएशन खराब हो जाएगा। इसलिए मैं हर देशवासियों से निवेदन करता हूँ,
रिक्वेस्ट करता हूं जो आवश्यकता ही चीज को भी जरूरत में लाए, अनावश्यकता चीज को जरूरत में अभी नहीं लाने की जरूरत है। किशोर जी, अंत में एक सवाल और है कि हम सबको पता है कि युवा देश के भविष्य होते हैं। जीवन में बेहतर काम करने के साथ साथ देश हित और राष्ट्र हित में भी उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे युवाओं को आप क्या प्रेरणा देंगे ताकि उनका सही मार्गदर्शन हो सके, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवा एक देश का भविष्य है और मैं अपने युवा से कहना चाहूंगा, उनको जिसके ऊपर भरोसा हो, विश्वास हो, वही करे। युवा एक देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवा ही एक कदम आगे होकर अपने देश को जिस दिशा में मोड़ना चाहता है, बदलना चाहता है, वो उनकी जिम्मेदारी है। और लास्ट में मैं यही बताना चाहूंगा, जो असफलता से ना डरे, असफलता ना कुछ दे लेकिन अनुभव जरूर देगा, अनुभव जरूर देगा। किशोर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे साथ अपना अनुभव शेयर किया। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम और हमारी पूरी SDF टीम आपको बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। SDF न्यूज चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को, दर्शक गणों को धन्यवाद, नमस्कार। आपको पता है कि जैसे पूरे विश्व में आज हिंदुस्तान की चर्चा होती है, वैसे ही भारत के राज्य बिहार की भी चर्चा होती है। कारण साफ है। अपने वो पुरानी कहावत तो जरूर सुनी होगी, एक बिहारी 100 पर भारी। जी हाँ, बिहारी किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं होते, और ये बात खासकर बिहार के लाल किशोर कुमार झा को देखकर तो जरूर साबित होती है। दर्शकों, इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसे ही शख्सियत से मिलवाएंगे। अगर आपको यह हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। नमस्कार।